लोग को रुकने के लिए। कहाँ हो तुम लोग? हेलो, हाँ पीछे मुड़। हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। चाय देना भाई साहब। अरे ए ए ए ए रुके, ए रुके। अरे करने सर, ही फाइल साहेबांच्या टेबलावर ठेवा। हो सर। हेलो हेलो, मैं कदम बोलतो है। डीआईजी साहब की गाड़ी चोरी हो गई है। क्या सर, अभी अभी फोन आया कि डीआईजी साहब की गाड़ी चोरी हो गई है। क्या? सारे पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दो। ओके सर। डीआईजी की कार की चोरी से पूरा डिपार्टमेंट सकते में आ गया था, लेकिन पुलिस के आला अफसर की कार उठाने की जरूरत आखिर किसने और क्यों की? डीआईजी सरांची गाडी चोरी झाली। अरे ही गाडी आता 10 मिनिटांपूर्वी गेली। हे कामळे गाडी पुढे घे। हाँ सर, डीआईजी साहब की गाड़ी का पता चल गया सर। सर मैंने आपको फोन किया था, ये गाड़ी। पता चला कौन ले गया ये गाड़ी यहाँ पे? नहीं सर, मैंने आसपास के लोगों से पता किया, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता इस गाड़ी के बारे में। जादो। हाँ सर। ये रहा सर। ये दोनों कौन है? पता नहीं सर, हमेशा आते जाते रहते हैं। सर ये घर भी अजीब है और घर के लोग भी अजीब हैं। हमेशा इस घर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जी कहिए। ये गाड़ी कौन लेके आया? जी वो कौन है? इधर आ, चला भागो रे भागो। ये सामने जाओ, सब रूम चेक करो। चल बाहर निकल। चल चल रे चल। Whoa!
सर जिंदा है, लगता है बेहोश हो गई है, इसी गोली में इसे लाया होगा। लड़की को हॉस्पिटल भेजो। 24 घंटों के अंदर पुलिस ने डीआईजी की कार को ढूंढ निकाला और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के आगे एक नया केस आकर खड़ा हो गया। गलती हो गई साहब, माफ कर दो साहब। लड़की कौन है वो? साहब नया माल है। नया माल है वो साहब, अभी डिलीवरी हुआ था साहब। इस लड़की के लिए गाड़ी उठाई थी? हाँ साहब, वो सुलेमान भाई ने बोला था कि सरकारी गाड़ी से जाएंगे तो चेक नाके से बच के निकल जाएंगे। साहब हमको नहीं पता था कि वो गाड़ी डीआईजी का है। सुलेमान भाई कौन? वो लड़कियां भेजता है, ये लड़की भी हमें सुलेमान भाई ने दी थी। कहाँ रहता है? मुलुंड में साहब। वो लड़की को पहुंचा के मैं गाड़ी निकल के जा ही रहा था, उतने में आप लोग आ गए साहब। कहाँ से उठाया सुलेमान भाई ने इस लड़की को? साहब वो सब मेरे को नहीं पता है साहब, मेरे को लड़की दी और बोला एक साल के लिए उसे संभाल, कुछ भी कर लेकिन एक साल के बाद उसको जिंदा चाहिए थी। वो एक साल के लिए जिंदा चाहिए मतलब? साहब अल्लाह कसम बोल रहा हूँ मेरे को कुछ नहीं पता है साहब। ये सुलेमान भाई का नंबर और एड्रेस लिखवा चल। सर यहाँ तो ताला है, तोड़ दो ताला। सारे घर की तलाशी लो। सर ये देखिए, ये एप्लीकेशन है और नाम लिखा है सुलेमान शेख। ये फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो और ये नंबर ट्रैकिंग पे डाल दो। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। ओके ओके सर, हॉस्पिटल से फोन था, उस लड़की को होश आ गया है। अब कैसी हो? लड़की को उन लोगों ने बेहोशी का इंजेक्शन दिया था, डोज बहुत ज्यादा था, उसकी जान भी जा सकती थी, इसीलिए इतनी देर तक बेहोश थी। कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है? जी नहीं। ग्रेट। डीआईजी साहब की गाड़ी चोरी हुई तो एटलीस्ट हम समय पर उस लड़की तक पहुंच गए, मिल सकते हैं उससे? हाँ हाँ बिल्कुल। कैसी हो अब तुम? नाम क्या बेटा तुम्हारा? कोयल। कहाँ से हो? कोल्हापुर। कोल्हापुर। तो तुम्हें बेचा किसने था? और किसने? मेरी आई ने। आर्यन उठ, बाबा को खाने के लिए बुला जल्दी से। बाबा 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 बाबा, देखो मैं फिर से फर्स्ट आ गई। सही तो कह रहे हैं बाबा, देखना एक दिन मैं बड़ी सी ऑफिसर बनूंगी और तू मेरे ऑफिस में ना प्यून रहेगा। माँ देखो ना बाबा क्या कह रहे हैं। सही तो कह रहे हैं, दिन भर इस मोबाइल में पड़ा रहता है। हाँ चलो खाना खा लो। आहो या तू जल्दी से चेंज कर ले, फटाक से आ जा। भाजी खा। कुछ लाऊं तुझे? दाल में ना नमक कम है, मैं नमक लेके आती हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? अगर कोयल के पापा को पता चला तो मुझे जान से मार देंगे। फिलहाल तो तुम उतना ही करो जितना मैं कह रही हूँ। अब रखो फोन। ये देखो केक, ये ले। पसंद आया तुझे केक? हाँ मुझे पता था तुझे चॉकलेट पसंद है, इसलिए चॉकलेट लाया। आज नहीं। अरे दादा आम्ही आर्यनला विश करायला आलो, हम भी कोई मरे नहीं जा रहे थे तेरे से मिलने के लिए, इधर काम से आए, काम की बात करने आए, समझा?
क्या तमाशा लगा रखा है तूने इधर? संतोष भाऊ जी, एक मिनट, ये देख, बाबा ने जमीन के मरने से पहले तीन हिस्से किए थे, उसमें से सामने वाला जमीन का टुकड़ा तेरे को दे दिया, तो तू वहां से हमारा आना जाना बंद कर देगा क्या? मुझे मेरी जमीन पे 8 फीट का रास्ता मेरी गाड़ी वहां से ले जाने के लिए चाहिए, समझा क्या? हमारी भी करोड़ों की जमीन है, तेरे आ आ आ के चक्कर में हम उसको भूल नहीं सकते। संतोष भाऊ जी, कैसी बात करे अपने बड़े भाई से? वही नहीं, अपने नवरेला जरा समझाऊ सांगा मग, जो हमारी जमीन पे नाक की तरह कुंडली मार के बैठा है। ऐसी कैसी बात कर सकते हैं पापा से? नहीं देंगे हम आपको जाने का रास्ता, उड़ के जाइए अपने प्लॉट में। और हम क्यों सोचे आपके बारे में? आपने सोचा था दादा दादी के बारे में, कितनी तकलीफ सही है उन्होंने। इतने भर की नहीं है तू, और जबान तेरी गज भर की। अपने बाप के लिए टर्टर करना बंद कर, चल बाजू हट। अरे दादा, क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो? काय करते तुम ये? देख लिया इसको, हैं? खाली नाम का बड़ा भाई है ये। तू बोला इसलिए मैं इधर आया, और हमको घर के अंदर तक नहीं लिया इसने। तू ऐसे सीधे सीधे मानने वाला नहीं है, तेरे को तो मैं दिखाऊंगा। सोई नहीं अब तक? आई तू इतनी रात को कहां से आ रही है? मैं वही बाहर ही थी, तू जा सो जा, सो जा जाके, लेट हो गया है। मैंने ही बुलाया था उन लोगों को, रिश्तेदार है हमारे, बुरे वक्त में अपने ही काम आते हैं। ओ आईका तेरे में काय मनती है, कितनी चिड़चिड़ करता। देख, ये चला। ये क्या कर रहे हैं आप? यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने भाई पर हमला किया है इन्होंने। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हाँ कल मैं इधर आया था रात में, हमारे बीच में थोड़ा पंगा हो गया था, उसके बाद ये मेरे घर आया, इसने मेरे घर पे पत्थर फेंके और मुझे चाकू दिखाकर इसने मारने की कोशिश की। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ नहीं इंस्पेक्टर, ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने। देखिए आपको जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में आके कहिए, फिलहाल हमारे काम में दखल अंदाजी मत करिए। ए ग्यारे, आप बताइए। इन्होंने कुछ नहीं किया, मैं बता रही हूँ आपको। तन्ना नक्का जाओ, कुछ नहीं किया, कहीं नहीं खेला। चल साहब, साहब वो घर पर ही थे। मैडम आप उनकी धर्म पत्नी हैं, उनको बचाने की कोशिश तो करेंगी ना? मैं सच कह रही हूँ, खोटे नहीं बोले थे। देखिए मैडम, उसने अपने भाई को मारने की कोशिश की है, केस तो बड़ा बनेगा। पर बाबा है कहाँ? बेटा तुम्हारे बाबा हवालात में हवा खा रहे हैं। मुझे उनसे मिलना है। अभी तुम बहुत छोटी हो, ये सब कानूनी मामला है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मैडम हमें और भी बहुत सारे काम हैं, आप आइए। साहब साहब कुछ ले देकर ये सारा मामला ठीक कर दो ना। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं आप? मैं रिश्वत खाने वाला लगता हूँ? नहीं साहब। तो क्या बोल रहे हैं आप? देखिए मैडम जो भी होगा कानूनी प्रोसीजर से होगा, आप एक काम करिए बेल लेके आइए, छोड़ देंगे। साहब बाबा, बाबा आप कैसे हैं? बाबा ये लोग आपको क्यों नहीं छोड़ रहे? मैं जानती हूँ आपने कुछ नहीं किया है। क्या हो रहा है इधर, क्यों शोर मचा रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। बाबा चलो, अरे चलो यहाँ से। काय डाला रे बक, काय डाला? अरे चलो यहाँ से। मैं ए लड़की, यहाँ क्यों आई? यहाँ बगैर इजाजत के आना मना है, ये पुलिस स्टेशन है, घर नहीं। चलो जाओ यहाँ से। मैं बाबा को छोड़ के नहीं जाऊंगी। जाओ यहाँ से, नहीं तो बाबा की तरह अंदर कर दूंगा। नहीं, बाबा ले जाओ इसे। चल बेटा चल, निकला। आई मैं बाबा को छोड़ के नहीं जाऊंगी, प्लीज। आई आई मैं बाबा। और तुम लोग आइंदा ध्यान रहे, जाओ।
क्या कर रही थी तू? हाँ मैं पहले से कम परेशान हूँ क्या जो तू और परेशान कर रही है? मत कर, समझता नहीं तुझे। मैडम आपको अपने पति की बेल करवानी है क्या? हो मेरे पास ना एक वकील है मैडम, अच्छा वकील है, अशफाक खान नाम है उसका। कार्ड देता हूँ मैडम, फोन करिए उसे, बिल 100% हो जाएगी। मेरे पति ने कुछ नहीं किया है। देखिए आप फिक्र मत कीजिए, आपके पति की बेल हो जाएगी। आप रिलैक्स हो जाइए, बैठिए और मुझे डिटेल में बताइए, बैठिए। वकील अंकल ने बाबा की बेल भी करवा दी थी, सब बहुत खुश थे। माँ ने बाबा को छुड़ाने के लिए दिन रात एक कर दिए थे। मुझे लगा कि मैं ही गलत समझ रही हूँ, माँ सच में बाबा से बहुत प्यार करती है। लेकिन फिर मैं बाबा को सब बताना चाहती थी, लेकिन घर में नहीं, कहीं और जब तक मैं बता पाती बहुत देर हो गई थी। मैंने बोला था ना तुम लोग को रुकने के लिए, कहाँ हो तुम लोग? तू कहाँ पे है? तेरे लिए भी जलेबी ला रहा हूँ। हाँ मुझे भी पापा से बात करनी थी। अच्छा हेलो, हाँ पीछे मुड़। हाँ ये हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। आ रही है आपकी लाडली। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों है? क्या हुआ? बाबा और आर्यन को कोई उठा के ले गए। क्या? हेलो, तेरा बेटा और तेरा पति हमारे पास है। क्या? जिंदा चाहिए ना तो 50 लाख रुपए तैयार रखना। हेलो कौन बात कर रहा है? हेलो क्या किया आपने बाबा के साथ? क्या बोल रही है तू? ज्यादा नाटक मत करिए, बहुत दिनों से देख रही हूँ मैं किसके साथ चक्कर चल रहा है आपका। क्या कहा तूने? और ये सब कुछ तेरे दिमाग में आया भी कैसे? देख बेटा जो तू सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। तेरी कसम मैं तुझसे, तेरे बाबा से और तेरे भाई से बहुत प्यार करती हूँ। ये सब दिमाग में से निकाल दे। और तू परेशान मत होना, मैं तेरे बाबा को और आर्यन को कुछ नहीं होने दूंगी। हमारी मदद करने वाला कोई भी नहीं था, इसीलिए आई वकील अंकल के पास गए। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ऐसा कोई भी नहीं है कि जिससे मैं मदद मांग सकूं। हो सकता है ये सब दो भाइयों ने किया हो। हो सकता क्या सर? मैं जानती हूँ ये पुष्कर चाचा और संतोष चाचा ने मिलकर किया है। मुझे लगता है हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं नहीं पुलिस के पास नहीं, अगर हम लोग पुलिस के पास जाएंगे तो मुझे डर है कि वो इन्हें और आर्यन को कुछ कर ना दे। रागिनी जी आपसे 50 लाख रुपए मांग रहे हैं, आप कहाँ से लाएंगी इतने पैसे? इनकी जमीन बेच देंगे। कानून आपको इजाजत नहीं देती, अगर कोई आदमी जिंदा है तो उसके प्रॉपर्टी या जमीन आप ऐसे ही नहीं बेच सकते, कंसर्न लेटर पे उस आदमी की साइन लगती है। गांव में मेरी जमीन है, अगर उसे बेच देंगे ना कुछ पैसे तो आ ही जाएंगे। उस जमीन के पेपर से आपके पास? हाँ है। ये लो 30 लाख रुपए। 30 लाख दिलीप? अरे जमीन कम से कम 70 लाख की है, 50 लाख तो आने चाहिए। देखो अशफाक भाई अभी मेरे पास 30 लाख रुपए, चाहिए तो ले लो। अरे तुम समझ नहीं रहे, हमें चलेगा। देखो इससे ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास, क्या करूं मैं? सिर्फ 30 का ही इंतजाम हुआ है। माँ के कहने में वो 30 में मान भी गए थे, और उन्होंने जहाँ पैसे रखने को बोला था वहाँ पे माँ गई भी पैसे रखने, और उन्होंने कहा कि बाबा और भाई हमें उसी जमीन में मिलेंगे जिस जमीन की वजह से सारी लड़ाई थी। और जब हम लोग वहाँ पहुंचे तो आर्यन बाबा
फिर क्या हुआ? फिर पुलिस आई, उन्होंने दोनों चाचा को अरेस्ट कर लिया। माँ ने बोला भी कि बाबा को उन्होंने ही मारा है, लेकिन उन्होंने दोनों चाचा को छोड़ दिया। सबूत? सबूत कहाँ है हमारे पास उनको बंद रखने के लिए? छोड़ना तो पड़ेगा ही ना। 3 महीने बाद भी कुछ नहीं पता चला, और फिर तेरी बेटी बहुत जवान हो गई है, उसका घर से निकलना बंद कर दिया। चाचा के आदमी मुझे आते जाते परेशान करते थे, उन्होंने तो जैसे मेरा जीना हराम कर रखा था। क्या हुआ? कहाँ चला? रुक रुक मत, डर मत, अब हम लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे। हाँ, फिर माँ ने मुंबई आने का डिसीजन लिया, फिर आई मुझे मुंबई ले आई, और मुंबई आने के बाद तो मेरा शक यकीन में बदल गया। भाई को तो जैसे सारी चीजों से आजादी मिल गई थी, वो चुप चुप कर किसी से मिलने भी जाती थी। पापा को गुजरे सिर्फ 6 महीने ही हुए थे, लेकिन आई के लिए तो वो जैसे कभी थे ही नहीं। मुझे उस घर में घुटन हो रही थी और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी मैं, और फिर क्या चल रहा है आपका? माँ मैं इतनी छोटी नहीं हूँ कि मुझे कुछ समझ में ना आए। तू गलत समझ रही है कोयल। मैं कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ, सब पता है मुझे। आप बन ठन कर जाती है और कार में किसी से छुप छुप कर मिलती है। तू जैसा समझ रही है वैसा कुछ नहीं है कोयल। नहीं माँ, अब आपके इन छोटे आंसुओं का मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे हर बार लगता रहा कि मैं गलत हूँ और मेरी माँ सही है। अब तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि बाबा और आर्यन को आप ही ने मरवाया है। मैंने नहीं मारा है उन्हें। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती माँ। कोयल, कोयल मेरी बात तो सुन। मैंने तो सोचा था उस घर में कभी कदम भी नहीं रखूंगी, लेकिन फिर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं बहुत डर गई थी, इसीलिए मैं घर वापस चली गई। मुझे सीधा हॉस्पिटल में होश आया। मेरे को लड़की दी और बोला 1 साल के लिए उसे संभाल, कुछ भी कर, लेकिन 1 साल के बाद उसको जिंदा चाहिए थी। लेकिन ये तुम्हारी माँ ने 1 साल के लिए बेचा, ये क्या है? ये वो औरत अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। पापा तो बोल भी नहीं सकते थे, तब भी उनसे शादी कर ली, क्योंकि पापा के पास प्रॉपर्टी थी। वो औरत पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, इसीलिए मुझे भी बेच दिया। तुम्हारी एज कितनी है? 17 साल। इसका स्टेटमेंट ले लो और घर का पता ले लो, और स्टेटमेंट पे इसके साइन ले लेना। ओके सर। बेटा आराम करो। अरे निकम, सुलेमान का कुछ पता चला? नहीं सर, जब से अकरम पकड़ा गया सुलेमान का फोन बंद आ रहा है, और सुलेमान ने सिम भी फर्जी नाम से लिया था सर। सर, क्या कोई औरत इतना गिर सकती है कि अपने बेटे और पति को मारने के बाद अपनी ही बेटी को धंधे पर लगा दे? जाधव, अपने मतलब के लिए इंसान कुछ भी कर सकता। सर, मुझे 1 साल वाली बात समझ में नहीं आ रही है। लड़की 17 की है जाधव, हो सकता है कि उसकी माँ उसके 18 के होने का इंतजार कर रही हो। क्यों सर, ऐसा क्या होने वाला था 18 साल में? अब इसका जवाब या तो रागिनी दे सकती है या सुलेमान।
सुलेमान का जल्द से जल्द मिलना बहुत जरूरी है, और इससे पहले कि रागिनी अंडरग्राउंड हो जाए उसको उठा ले। देखो अंदर जरा। सर यहां पे तो नहीं है, ऊपर देखते हैं। सर लगता है यही रागिनी है, ये देखिए। गले को रस्सी से दबाया गया है, निशान पड़ गया है। जादव कोयल से बॉडी की शिनाख्त करवाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फॉरेंसिक को इन्फॉर्म कर दो। ओके सर। ये वही औरत है जिसे मैं आई कहती थी। सर सुलेमान ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल था, उसके खिलाफ बहुत से चार्जेस हैं पुलिस रिकॉर्ड में, ये देखिए सर। और सर मुझे लगता है कि सुलेमान ने ही रागिनी को मारा है, क्योंकि माँ बेटी यहाँ अकेली रह रही थी और सुलेमान की नजर उन पर पड़ी हो, उसने माँ को मारकर बेटी को उठाकर बेच दिया। सर रागिनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रागिनी की मौत 10 तारीख को रात को 8 बजे से 12 बजे के बीच में हुई है। रस्सी जैसे चीज से उसका गला दबाया गया, जिस वजह से उसकी विंड पाइप चोकअप हो गई और उसी में उसकी मौत हो गई। सर घर पर भी किसी के उंगलियों के निशान नहीं मिले, हो सकता है कि कातिल ने सारे उंगलियों के निशान मिटा दिया हो। हाँ लेकिन मेन डोर पर किसी के उंगलियों के निशान मिले। सुलेमान के फिंगरप्रिंट्स रिकॉर्ड पे हैं? नहीं सर, मुझे कोयल पे शक है, वो भी मार सकती है। गुस्से में तो थी क्योंकि उसे लगता है कि रागिनी ने उसके बाप और भाई को मरवाया। हो सकता है सर, अगर कोयल ने रागिनी को मारा है तो मारने के बाद कोयल भाग गई हो और उसी में वो सुलेमान के चपेट में आ गई। जब हमने उससे पूछा तो उसने झूठी कहानी बताई कि माँ ने ही उसे बेचा। सर कोयल की फिंगरप्रिंट मैच करके देखें। निकम त्याने कहाँ होड़ा रहे, वो तो कोयल का ही घर है, उसके तो फिंगरप्रिंट्स वहां पे मिलेंगे, उसे हम कुछ साबित नहीं कर सकते। और कोयल के दोनों चाचा संतोष और पुष्कर वो भी कर सकते हैं, पहले विमल और आर्यन को मारा और अब रागिनी और कोयल को रास्ते से हटा दिया तो सारी जमीन उनकी। हाँ सर लेकिन फिर वो कोयल को जिंदा क्यों छोड़ेंगे, धंधे में डाला था उसको। वहां की जिंदगी मौत से बदतर होती है, अगर हम वहां तक नहीं पहुंचते तो कोई चांस नहीं था कोयल जिंदगी भर वहां से बाहर निकल पाते। सर लेकिन हमें रागिनी के प्रेमी को भी नहीं भूलना चाहिए, वो भी तो ये सब कुछ कर सकता है। कर सकता है, ये केस बहुत उलझा हुआ है। निगम सर रागिनी के कॉल डिटेल्स और लोकेशन निकलवो। कोयल का कहना है कि वो उस आदमी से रेगुलरली मिलती थी और उसके साथ कहीं जाती थी, पता करो कहाँ जाती थी और किससे मिलती थी। और संतोष और पुष्कर के कॉल डिटेल्स और लोकेशन भी निकालो, देखो उनमें से तो कोई यहाँ नहीं आया था। जी सर। और आगे की कहानी जानने के लिए यादव हमें जाना पड़ेगा कोल्हापुर। लेकिन सर मैं क्या करता, जब विमल और उसके बेटे को अगवा किया गया तो किसी ने पुलिस कंप्लेंट की नहीं थी, बाद में जब उनकी डेड बॉडीज मिली तो बताया गया कि दोनों चाचा ने किया है। हमने उनको अरेस्ट किया, पूछताछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अब सबूत ना होने के कारण हमें उन्हें छोड़ना पड़ा। पाटिल साहब खून हुआ है तो खून ही तो होगा। हाँ पर वैसा कुछ पता नहीं चला। पता चला नहीं, आपने पता करने की कोशिश नहीं की। माँ बेटी दोनों कोल्हापुर छोड़ के चले गए, आपका काम खत्म। ये केस अब हम टेक ओवर कर रहे हैं। याना दे लेटर दे। जादव इनसे दोनों भाइयों की फिंगरप्रिंट्स की फाइल लेकर रागिनी के घर में मिले फिंगरप्रिंट से मिला के देखो, तब तक दोनों भाइयों से बातचीत करते हैं। ओके सर। बोला काय काम है? आपकी भाभी रागिनी का खून हो गया है। बार बार उन दोनों के साथ कुछ होता है, पुलिस हमारे पीछे पड़ जाती है। अरे हमने कुछ नहीं किया है साहब। मैं मानता हूँ कि हमारे बीच में झगड़ा था, मेरा दादा बचपन से ही गूंगा था, इसके लिए माँ बाप ने कुछ ज़्यादा ही लाड़ प्यार करके उसको रोड साइड वाली ज़मीन दे दी थी। ये भी नहीं सोचा कि उसकी ज़मीन के पीछे हम दोनों भाइयों की भी ज़मीन है। दादा ने उसकी ज़मीन से हमारा आना जाना बंद कर दिया, रास्ता ही बंद कर दिया। अब आप ही बताइए, जब आदमी के पास रास्ता ही नहीं है अपनी ज़मीन तक कैसे पहुँचेगा, वो करोड़ों की ज़मीन थी हमारी। तो जमीन पर रास्ता बनाने के लिए अपने भाई के परिवार को रास्ते से हटा दिया। ऐसा मैंने कुछ नहीं किया साहब, दिल में मेरे बहुत बार आया था कि मैं दादा को मार ही डालूं।
लेकिन वो वहीनी के बारे में सोच के मैंने वैसा किया नहीं। क्यों? वो अच्छी औरत थी साहब, वो तीनों भाइयों के बीच में दोस्ती बनाकर रखना चाहती थी। हे वक्त दादा, आर्यन साहब वाड़दिवस है, रागिनी वहीनी ने बोला है कि एक बार घर पे आ जाओ और अच्छे से बात कर लो, वो अपनी जमीन पे गाड़ी जाने के लिए रास्ता दे देंगे। मैं गया था साहब आर्यन के बर्थडे में, सोच के कि सुलह हो जाएगी, लेकिन दादा ने बेइज्जत करके हमको घर से निकाल दिया था। और अगले दिन तुमने झूठी कंप्लेंट करके अपने दादा को अंदर करवा दिया। नहीं साहब, झूठी कंप्लेंट नहीं थी, वो सच में मेरे घर पे आया था। उसने मेरे घर पे पत्थर फेंके थे, चाकू दिखाकर मुझे मारने की कोशिश भी की थी उसने। ये तेरे दादा के मोबाइल लोकेशन का रिकॉर्ड है, इसके हिसाब से वो उस दिन अपने घर पर ही था। वो तो उस दिन मोबाइल अपने घर पे ही छोड़ के आया था साहब। अच्छा, तेरे सामने वाला बंगला किसका है? मोहिते का ना? उसका सीसीटीवी फुटेज हमने चेक किया, उस रात ना विमल तेरे घर आया था, न किसी ने पत्थर फेंके थे। अब सच बोलेगा तो फायदे में रहेगा। मैं सच ही बोल रहा हूँ साहब। ऐसे नहीं मानेगा ये, क्या रिमांड रूम में दे गया? मैं सच बता रहा हूँ साहब, मैंने झूठा केस बनवाया था, मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया साहब। मैं बहुत गुस्से में था इसलिए मैंने केस बनवाया था। रागिनी और पुष्कर के बीच में कुछ था? नहीं साहब, कुछ नहीं। पक्का? हाँ साहब। पुष्कर देशमुख कुठे आहेत? ते साताराला गेलेत कामासाठी। सातारा में कहाँ रहे? जी वो सब तो मुझे नहीं पता। हेलो सर, दोनों भाइयों की कॉल डिटेल्स आ गई है। संतोष मुंबई नहीं आया था, लेकिन पुष्कर के फोन की लोकेशन उस दिन रागिनी के घर की है। सर एक बार शाम को 7:30 बजे के लगभग और रात को 11 बजे के करीब, उसके बाद से पुष्कर का फोन बंद है सर। सर रागिनी के घर पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे ये उसकी रिपोर्ट। सर इस रिपोर्ट के मुताबिक पुष्कर के फिंगरप्रिंट्स के साथ ये रिपोर्ट मैच कर रही है। सर इसका मतलब है कि पुष्कर ने ही रागिनी को मारा और अब चूहे की तरह बिल में छुपा है। तो खोद के निकालो उसे, उसकी फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। जी सर। सर और एक बात पता चली है, जब से रागिनी कोल्हापुर से मुंबई गई है उसने कोल्हापुर का नंबर बंद करवा दिया और मुंबई में एक नया नंबर ले लिया। इस नए नंबर से पुष्कर के टच में थी? सर जब तक वो कोल्हापुर में थी तब तक वो पुष्कर के टच में थी, लेकिन जब से वो मुंबई गई है पुष्कर के साथ उसका कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। और कोई नंबर है जिससे अक्सर बात करती थी? जी सर, एक नंबर मिला है किसी आमन राव के नाम पर, लेकिन जब हमने इंक्वायरी की तो वो फर्जी नंबर निकला, वो मुंबई में एक्टिवेट था। मतलब कोल्हापुर से जाने के बाद किसी के टच में नहीं थी? ना सर, अशफाक खान के नाम। उसका वकील? जी सर। सर यकीन नहीं हो रहा है, रागिनी जी का कत्ल हो गया। आप तो जानते ही होंगे ना उन्हें। हाँ, मैंने उनके शोहर की बेल करवाई थी, 2-3 बार उनके घर पे भी गया था खाना खाने के लिए। इतनी ज्यादा जान पहचान कि मुंबई जाने के बाद भी रागिनी आपसे देर देर तक बातें करती थी? सर वो मेरी क्लाइंट है, वो अपने नाम की जायदाद जमीन जो थी उनकी वो बेचना चाहती थी, इसलिए मुझे बार बार फोन करती थी कि कोई अच्छा बायर ढूंढ ले और वो जमीन बेच दे। अच्छा नहीं हुआ रागिनी जी के साथ। सर मैंने वार्न किया था लोकल पुलिस को और उनको बताया भी था। क्यों झूठे केस में फंसा रहे इन्हें? हाँ भाई है आपके। कोणा सा भाऊ, मैं कोई भाई भाई नहीं जानता, हमारी करोड़ों की जमीन आज कौड़ियों की हो गई है। जाओ जाके उसको बोल दो कि हमें रास्ता दे दे, अगर नहीं माना तो आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी दादा की होगी। नहीं बताएगा साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब तूने और तेरे भाई ने मिलके मारा है? नहीं साहब, मैंने सिर्फ गुस्से में आके धमकी दी थी साहब, मैंने नहीं मारा। हो सकता है पुष्कर ने किया हो। साहब आपने पूछा था ना मेरे से, आपने पूछा था ना, पुष्कर वहीनी को पसंद करता था साहब और उनसे मिलने के, उनसे बात करने के बहाने ढूंढता था हमेशा। दोनों के बीच कुछ था? हो सकता है साहब। एक साल बाद क्या होने वाला था? एक साल बाद पता नहीं साहब मेरे को। सर मुझे तो लग रहा है कि ये संतोष झूठ बोल रहा है, उसी ने रागिनी को मारा होगा। इसे शक हो गया कि रागिनी और पुष्कर के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है और इसीलिए उसने रागिनी को मार दिया और अब सारा इल्जाम पुष्कर के ऊपर डाल रहा है। ये भी हो सकता है कि वो फर्जी नंबर पुष्कर का ही हो,
जिससे रागिनी नहीं मुंबई में बात किया करती थी, और उस दिन जब कोयल ने किसी आदमी को अपने घर से निकलते हुए देखा, हो सकता है वो पुष्कर ही हो, क्योंकि पुष्कर उस शाम को रागिनी के घर गया था और उस रात को पुष्कर फिर से वहां गया था। हो सकता है कि रागिनी ने पुष्कर से कहा हो कि कोयल को शक हो गया है, पुष्कर और रागिनी का झगड़ा हुआ, पुष्कर ने रागिनी को मार दिया और कोयल को सुलेमान के हाथों बेच दिया, या फिर कोयल ने रागिनी को मारा और सुलेमान के चंगुल में फंस गई। हाँ सर, ये सारी कड़ियां सुलेमान से जुड़ रही है। एक बार फिर से सबके कॉल रिकॉर्ड चेक करो। ओके सर। पुलिस खबरियों के जरिए सुलेमान को ट्रेस कर रही थी और दूसरी तरफ पुष्कर की तलाश में पुलिस ने पुष्कर की पत्नी की कॉल रिकॉर्ड्स को ट्रेस करना शुरू किया। सर, पुष्कर के बीबी के मोबाइल रिकॉर्ड्स। सर, ये रिकॉर्ड के मुताबिक पुष्कर के बीबी के मोबाइल पर कोल्हापुर के अलग अलग एरिया से कई बार फोन आया करता है। हो सकता है ये कॉल्स पुष्कर ही कर रहा हो, कोल्हापुर के सारे होटल चेक करो, कहीं छुप के बैठा हो। चुप कर रहा हो, क्या चल रहा था तेरे रागिनी के साथ? सब कुछ नहीं साहब, वो भाभी थी मेरी। तेरे कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, बहुत लंबी चौड़ी बातचीत करता था साहब, वो सिर्फ जमीन के सिलसिले में बात हो रही थी। आज आर्यन का बर्थडे है, इनका मूड भी अच्छा है, तुम आके बात कर लेना। वही नहीं, सच बोलूं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, आप चोरों की तरह मुझे फोन करती है, मुझसे मिलने आती है। साहब, विमल दादा कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे और संतोष भाव का गुस्सा भी बहुत खराब है। आर्यन के बर्थडे वाली रात झगड़े के बाद रागिनी से मिलने गया था तू? हाँ सर। कोई नहीं, दादा ने ये ठीक नहीं किया, संतोष भाव बहुत भड़का है, वो कुछ तो भी गलत करने वाला है। तू संभाल लेना। मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। सुबह तू कुछ कर ले, संभाल ले। कुछ नहीं कर सकता भाई, नहीं जाने दो मुझे। तू सोई नहीं अब तक? तो रागिनी ने तुझे विमल को झूठे केस में फंसाने से रोका था, या उसी के कहने पे तुम दोनों भाइयों ने मिलके विमल को फंसाया था? नहीं नहीं साहब, वही नहीं, दादा को क्यों फंसाएगी? क्यों, उसके बाद भी वो तुझसे मिलती नहीं थी? एक ही बार मिली थी साहब, बहुत दुखी थी। इन पर झूठा इल्जाम लगा कि क्या मिला तुम लोगों को बता? मैं तुम तीनों भाइयों में दोस्ती करवाना चाहती थी और तुम लोगों के। लेकिन वही नहीं, संतोष भाव का गुस्सा आप जानती हो ना। अरे लेकिन इस गुस्से से क्या हासिल हुआ? काजी करो ना कवैनी, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो रागिनी ने तुझसे मिलना बंद कर दिया तो तूने विमल और आर्यन को अगवा किया और मार दिया? नहीं साहब, मैंने उन्हें नहीं मारा। क्यों, तेरा और रागिनी का चक्कर नहीं था? नहीं साहब। तेरे संतोष भैया ने बताया बहुत मजे ले लेके बातें करता था। मैं पसंद करता था वहीनी को, लेकिन वहीनी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। और दादा के मरने के बाद 3 महीने के बाद वहीनी कोयल को लेके गायब हो गई, तो और किसी को पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चली गई सिवाय तेरे, क्योंकि तू मुंबई के फर्जी नंबर से उसके साथ बातें करता था। नहीं साहब, मैं भाभी से बात नहीं करता था। देख बेटा, तेरा सारा चिट्ठा है हमारे पास, तू ये बता तू मुंबई क्यों गया था? नहीं नहीं साहब। सब तेरी लोकेशन रागिनी के घर की है और उसके दरवाजे पे तेरे फिंगरप्रिंट्स है। हाँ साहब, गया था मैं मुंबई, गया था, वहीनी को बहुत पसंद करता था और यही बताने के लिए मैं गया था साहब। वहीनी, उस रात नशे में मैं अपने आप को रोक नहीं पाया साहब। वहीनी, मैंने उन्हें नहीं मारा साहब। अगर तूने नहीं मारा तो छुप के क्यों बैठा था? मैं बहुत डर गया था साहब, मुझे लगा कि मेरे मोबाइल की लोकेशन वहाँ की पुलिस को मिल जाएगी और मेरे फिंगरप्रिंट भी वहाँ थे ना। अपने आप को बहुत शाना समझता है तू, इतनी देर से क्यों घुमा रहा था? सच तो ये है कि तेरा रागिनी के साथ लफड़ा था और इसी लफड़े में तूने उसे मार दिया। नहीं साहब, मेरा वहीनी के साथ कोई लफड़ा नहीं था, अगर होता तो मुझे पता चल जाता कि वो मुंबई में, मुझे तो टिकट वाले ने बताया कि वो मुंबई में। जी साहब, पुष्कर आया था और मुझसे पूछ रहा था कि रागिनी कहाँ गई है, तो मैंने बता दिया कि वो मुझसे मुंबई का टिकट चली गई। सर, सुलेमान नेपाल में पकड़ा गया है।
सुलेमान को नेपाल से मुंबई लाया गया। अब सारी बिखरी कड़ियों को बस वो ही जोड़ सकता था। अब बता कहां से उठाया था कोयल को? उठाया नहीं था साहब, कोयल को बेचा था किसी ने मुझे। किसने? चलो उठा 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 चल बोल 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 रागिनी को कैसे मारा बोल। मैंने जब विमल की बेल की तभी मुझे पता चला रागिनी को दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं मालूम। अगर उसके पति का उसे सहारा छुड़ा दूं तो वो सहारा ढूंढते मेरे ही पास आएंगे। और हुआ भी ऐसे ही सर, मेरे आदमी लोगों को बता के मैंने माँ बेटी को दिन रात परेशान किया। रागिनी सबसे डर गई और मजबूरी में उसने मुझे सब कुछ बता दिया। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा अपनी जवान बेटी को कैसे संभालूं, इस दुनिया से कैसे बचाऊं। रागिनी जी अपने आप को संभालिए, मैं हूं ना आपके साथ, हर कदम पे आपके साथ हूं। मारा कैसे वो बोल? सर मैंने रागिनी के साथ प्यार का नाटक किया, पर रागिनी को पति नहीं चाहिए था, उसके बेटी के लिए बाप चाहिए था, ऐसा बाप जो उसके बेटी को दुनिया से प्रोटेक्ट करे। मैंने रागिनी के दिल में संतोष और पुष्कर के लिए डर बिठा दिया। फिर मैंने उसे कहा कि पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम करे और वो मुंबई चली जाए और मैं जमीन बेच के मुंबई आ जाऊंगा उससे शादी करने के लिए। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा था, पर कोयल के चक्कर में सब गलत हो गया। अरे रागिनी, वो जो पेपर्स है ना आपने दिए हुए, वो तुम रो क्यों रही हो? क्या क्या हुआ क्या तुम्हें? आपने मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए बहुत कुछ किया है, मगर ये रिश्ता अब मैं और नहीं निभा पाऊंगी। क्या बोल रही हो तुम? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करती हो। बहुत इज्जत करती हूँ आपकी, मगर प्यार अपनी बेटी से करती हूँ, और जब वही खुश नहीं है इस रिश्ते से तो हमें अलग होना ही होगा। अशफाक आप यहाँ से चले जाइए, अपनी बेटी की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है, और हो सके तो मुझे माफ कर देना। तूने कोयल को सुलेमान के हाथों 1 साल के लिए बेचा, क्यों? क्या करता साहब, कोयल 17 साल की, सोच रहा था कि 1 साल बाद उसके साथ शादी करके उसके नाम की प्रॉपर्टी मेरे नाम कर लूं। सोचा जब तक शादी नहीं हो रही है उससे कुछ कमाई कर लूं। साली किस्मत ही खराब है मेरी, किस्मत खराब। तुम्हारे बाबा के गुजर जाने के बाद तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हारे लिए पिता का साया ढूंढ रही थी, और उस आदमी ने तुम्हारी माँ के प्यार का गलत फायदा उठा के उसे मार डाला। तुम्हारी माँ ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, बल्कि जिंदगी में सिर्फ धोखे खाए। बहुत प्यार करती थी तुमसे, तुमने गलत समझा अपनी माँ को। तू जैसा समझ रही है वैसा कुछ नहीं है। तुम्हें नहीं माँ, मुझे हर बार लगता रहा कि मैं गलत हूँ और मेरी माँ सही है। अब तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि बाबा और आलिम को आप ही ने मरवाया है। मैंने नहीं मारा है उन्हें। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी, बच्चा चोरी करने आता है।
क्या सोच रही हो दीदी? दीदी अरे शगुन वहां क्यों खड़ी है? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मम्मी, टिफिन। चलो दीदी लेट हो रहा है। बाय मम्मी, बाय पापा। अरे अरे प्यार, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। जब तक तू प्यारी करने के लिए उठेगी ना, उनके स्कूल में खाने की छुट्टी हो चुकी होगी। तूने मुझे वो बात बोलने क्यों नहीं दी? हमें वो बात मम्मी पापा से नहीं छुपानी चाहिए। दीदी खतरा क्यों मोल ले रही हो? बोलोगी ना तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। बच्चा चोर, बच्चा चोरी करने आता है, बता कहाँ है बच्चे? बच्चा चोर आता है, बता कहाँ है बच्चे? क्यों मार रहे हो लोगों को साहब? ये दोनों बच्चा चोर हैं। किसका बच्चा चुराने की कोशिश की इन लोगों ने? बोलो किसने देखा इनको बच्चा चुराते हुए? बिना कुछ सोचे समझे ऐसे पीट रहे थे इन दोनों को? साहब ऐसे नहीं पीटा, यहाँ पे जगह जगह से बच्चे गायब हो रहे हैं, इन्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा। हमको पूरा शक है कि ये दोनों बच्चा चोर हैं। क्यों भाई लोग बच्चा चोर हैं? एक मिनट, हम देखते हैं। अजीत हॉस्पिटल लेके जाओ इनको। ठीक है, जैसे उन दोनों की मरहम पट्टी हो जाती है इन्फॉर्म करना मुझे। सर आपने बुलाया मुझे? हाँ मैंने, पता चला भीड़ को भड़काया किसने था? सर फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले नुसरतगंज थाने में एक बच्चे की मिसिंग कंप्लेन फाइल हुई थी। इमरान नाम है इसका। सर इस बच्चे के गायब होने के बाद से ही हड़दंग मच रहा है। सब लोग बोल रहे हैं कि वो दोनों आदमी बच्चा चोर है। हम लोग बच्चा चोर नहीं है साहब, हम लोग टिहरी गांव के गरीब लोग हैं साहब। हम और हमारे समुदाय के लोग गांव से शहर आके तमाशा दिखाते और भीख मांगते साहब। हम लोग बच्चा चोर नहीं है साहब। मिश्रा सर इनका नाम पता नोट करो और फिलहाल कस्टडी में रखो। ओके सर। आइए विनय, इनके बारे में सब कुछ अच्छे से पता करो। देखो सच बोल रहे हैं या कहानी बना रहे हैं? ओके सर। सर अपने एरिया से आज एक कर्ण नाम का बच्चा मिसिंग हुआ है। अभी अभी उसके फादर ने कंट्रोल रूम में फोन किया था। तुझे मालूम है ना मोहल्ले में यहां वहां बच्चे चोर घूम रहे हैं, सारे बच्चे स्कूल के आधे रास्ते से घर लौट आए, ऐसे माहौल में भी तू अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाई? अरे धर्म जी दीदी को इतना भी मत सुनाइए। अंकल हमें स्कूल जाने से मना कर दिया था, मैं और करण घर लौट रहे थे तो तभी वो ग्राउंड के और खेलने चला गया। दीदी आप घर जाओ, मैं खेल के आता हूँ। हमने करण को बहुत ढूंढा साहब, और वो कहीं नहीं मिला। आपको किसी पे शक है?
कुछ समझ नहीं आ रहा सर। उस ग्राउंड और इस मोहल्ले में सबसे पूछताछ करो, हो सकता है किसी ने करण के आसपास किसी संदिग्ध को देखा हो जिसने उसे किडनैप किया। ओके सर। हाँ सर, ये तो करण है। मैंने देखा था करण को ग्राउंड में खेलते हुए। करण के साथ गोविंद भी खेल रहा था। कौन गोविंद? राम बाबू का छोटा लड़का। बोलो बेटा गोविंद, आप वहाँ करण भैया के साथ खेल रहे थे? नहीं अंकल, मैं करण भैया के साथ नहीं खेल रहा था। जैसे करण भैया वहाँ पे तो मैं वहाँ से चला गया। तो जब आप वहाँ थे, करण भैया के साथ कोई था वहाँ? एक अंकल थे, वो करण भैया को चॉकलेट दे रहे थे। आपने उन अंकल को देखा था? मतलब उनका चेहरा कैसा था, वो दिखते कैसे थे? याद नहीं, मैंने उन्हें बहुत दूर से देखा था। हो सकता है वो आदमी करण को बहकाने की कोशिश कर रहा हो और उसी ने करण को अगवा किया हो। उस पूरे एरिया में एक बार दोबारा पूछताछ करो और जहां कहीं भी सीसीटीवी दिखे उसकी फुटेज खंगालो। अगर गोविंद ने वहां करण के साथ किसी को देखा था तो हो सकता है किसी और ने भी कुछ विटनेस किया। ओके सर। 5 वर्षीय गोविंद के बयान के आधार पे अब उस अज्ञात आदमी का पता लगाया जा रहा था जिसे गोविंद ने 7 वर्षीय करण को चॉकलेट देते हुए देखा था। लेकिन फिलहाल कोई भी लीड नहीं मिल पाई थी और भीड़ की हिंसा का शिकार हुए उन दो आदमियों के बैकग्राउंड में भी कुछ खास सस्पिशियस नहीं मिला था। सर, उन दोनों आदमियों के बारे में पता चला जिनकी भीड़ ने पिटाई की थी, वो टीरी गाँव के और उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। करण की गोली? सर, ग्राउंड के पास तो कोई भी सीसीटीवी नहीं है और ना ही आसपास के एरिया के सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ खास मिला है और वहाँ किसी संदिग्ध के देखे जाने की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है सर। लेकिन गोविंद ने करण के साथ किसी आदमी को देखा तो था जो करण को चॉकलेट दे रहा था, तो पूरे चांसेस हैं कि उसी आदमी ने करण को अगवा किया हो। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, आइए सर। हटिए हटिए, पीछे सर। बच्चे का चेहरा काफी खराब किया गया है, देखने से लगता है कि काफी समय पहले बॉडी डंप की गई थी। करण तो कल ही गायब हुआ है, तो फिर यह बॉडी किस बच्चे की होगी? आप लोगों के लिए नाश्ता बनाकर लाए। पता चला करण का? दीदी हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे हमदर्दी की जरूरत नहीं है मुझे। अंजलि, क्या बदतमीजी है ये? आप अपने नौकर की बीवी के लिए मुझ पे चिल्ला रहे हो? अपने मतलब के लिए आप चढ़ाओ इन्हें सर पे, मुझसे ये लोग बर्दाश्त नहीं होते। अरे बस करो, आपने तो आज दिन के सांप पाल रखे है। पता नहीं कौन सा सांप डस गया मेरे करण। आप कहना क्या चाहती है? साफ साफ कहिए ना। साफ साफ ही कह रही हूँ। अरे चुप करो, बंद करो अपनी तू तू मैं। तू यहाँ क्या कर रहा है? काम धंधा नहीं है तुझे? जा जाके दुकान खोल। दुकान खोलने जा रहा था, एक बात पता चली तो बताने चला आया। कौन सी बात? अतना बाग में ना पुलिस को एक बच्चे की लाश मिली है। बच्चे की लाश? जी भाई साहब, और वो लाश पुलिस को एक संदूक में मिली है। सर, जिस बच्चे की लाश संदूक में मिली थी उसका खतना किया गया था। हो सकता है सर वो बच्चा इमरान ही हो जिसकी मिसिंग कंप्लेंट नुसरतगंज थाने में दर्ज हुई थी। राम बाबू, तूने मेरे करण के साथ दुश्मनी निकाली ना? छोड़ छोड़ू ना नहीं, जाता मत दिखा। तू जानता नहीं है मुझको, तेरे बीवी बच्चों को साले पे भीख मंगवाऊंगा। अभी मेरे घर में कोई नहीं रहेगा, निकल, सब लोग निकल घर से।
किराया देते हैं हम लोग, मुफ्त में नहीं रहते, समझा ना? अच्छा, और अगर अभी मेरे पति को हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ए, जबान संभाल कर बात कर इनसे, तू तो जा यहाँ से, समझी ना? तेरी औकात नहीं है मेरे ऊपर चिल्लाने की, तेरे इशारों पर ये मकान मालिक नाचते होंगे, हम लोग नहीं नाचने वाले। और हाँ, अब दम है ना तो ये घर खाली करवा के दिखाओ। घर भी खाली करवाएंगे और तुम दोनों को जेल भी भिजवाएंगे। अपने पति पे तो चलती नहीं है, हमें आंखें दिखाओगी? अरे ज्यादा बकवास मत कर, पहले तो सामान कम निकाल बात। संदूक में मिली लाश की पहचान इमरान नाम के बच्चे से कर ली गई थी, लेकिन करण की तलाश अब भी जारी थी। इमरान की लाश उसी थाना क्षेत्र में मिली थी जहां करण का मिसिंग केस फाइल हुआ था, लिहाजा करण का मिसिंग केस इन्वेस्टिगेट कर रही पुलिस को इमरान मर्डर केस भी सौंप दिया गया। 10 दिन पहले मैं और इमरान ईद की खरीदारी करने के लिए बाजार गए थे, अचानक वो वहां खो गए। मैंने उसे आसपास बहुत ढूंढा तो कुछ लोग बोले कि ये जरूर बच्चा चोर का काम है। हमने इमरान का केस स्टडी किया है, जब से इमरान गायब हुआ है आपने किसी पर शक नहीं जताया, और हमें इमरान की बॉडी इस संदूक में मिली थी। इस संदूक को पहचानते हैं आप? हो सकता है इमरान के गायब होने में किसी आपके जानने वाले का हाथ हो जिसका ये संदूक हो। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किसने हमारे इमरान को। सर पता चला है कि करण के पेरेंट्स का अभी अभी उनके किराएदार रामबाबू और उसकी बीवी से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। वो लोग रामबाबू के परिवार पर उनके बेटे करण को गायब करने का आरोप लगा रहे थे। ये रामबाबू वही है ना जिसके बेटे गोविंद ने एक आदमी को करण को चॉकलेट देते हुए देखा था? यस सर। और सर जैसे ही करण की फैमिली को पता चला कि हमें संदूक के अंदर एक बच्चे की लाश मिली है, तब से ही उन्होंने रामबाबू के परिवार को ब्लेम करना शुरू कर दिया था। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका झगड़ा भी संदूक से जुड़ा हुआ है। और सर उनके परिवार की एक पुरानी बात सामने निकल कर आई है। मैंने पिछले 3 साल से अपने ग्राउंड फ्लोर का एक हिस्सा रामबाबू को किराए पर दे रखा है। उसके बच्चों और मेरे बच्चों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन सारे बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे थे। 1, 2, 3, 4, चीटिंग मत कर। इसमें क्यों छुपेंगे? इसमें नहीं छुप सकते। नहीं, गेम में सब चलते हैं, कहीं भी छुपते हैं, और तू आउट हो गया। अच्छा, मैं आउट हो गया? करण कभी आउट नहीं होता। करण, शगुन दीदी, गोविंद। 2-3 घंटे बाद पता चला कि करण ने अंकित को संदूक में बंद कर दिया था। मम्मी, शगुन, गोविंद, करण, मुझे खा लो। करण, गोविंद, शगुन दीदी, शगुन दीदी, मम्मी। अगर कुछ हो जाता अंकित को तो तुमको तो। हम बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि राम बाबू और उसकी पत्नी सुजाता हमसे इतना नफरत पाल बैठे हैं। साहब, माना हम करण के उस हरकत से नाराज थे, लेकिन हम भी बाल बच्चे वाले लोग हैं, हम ऐसे थोड़ी ना कुछ करेंगे जैसा वो लोग आरोप लगा रहे हैं। लेकिन हमें पता चला कि उस इंसिडेंट के बाद आपने अपने बच्चों को करण के साथ खेलने से भी मना कर दिया था। हाँ अंकल, पापा ने मना किया था, फिर भी हम दोनों ने शगुन दीदी और करण से दोस्ती कर ली। तो तुम भी उस दिन करण के साथ खेल रहे थे? नहीं अंकल, मैं नहीं खेल रहा था, सिर्फ गोविंद ही खेल रहा था। हाँ अंकल, मैं करण भैया के साथ खेल रहा था, लेकिन पापा को यह बात पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने झूठ बोला। तो बेटा गोविंद, तुमने और क्या क्या झूठ बोला? करण को एक आदमी चॉकलेट दे रहा था, ये भी झूठ बोला? नहीं अंकल, एक अंकल सच में करण भैया को चॉकलेट दे रहे थे। तो बेटा वो आदमी कौन था, उसका चेहरा याद करने की कोशिश करो, शायद तुम्हें याद आ जाए। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने उन अंकल को देखा था। लेकिन तुम्हारी करण भैया से दोस्ती हो गई थी?
हाँ सर, हम सबकी दोस्ती हो गई थी, लेकिन हम सब ने डिसाइड किया था कि अगर हम खेलेंगे तो घर के पास नहीं खेलेंगे, ताकि हमारे पेरेंट्स को पता ना चले। अच्छा, करण का रामबाबू के बच्चों के अलावा किसी और बच्चे से भी ऐसा कोई झगड़ा हुआ था कभी? करण थोड़ा शरारती था, झगड़ा तो उसका अक्सर होते रहता था। बस इसी वजह से मोहल्ले में सब ने उसके साथ बच्चों को खेलने से मना कर दिया था। अकेला पड़ गया था बेचारा, अकेला ही खेलता था। एक बात बताइए, इन सब बातों के अलावा करण ने आप लोगों को कभी कोई ऐसी बात बताई जो आपको पहले याद ना आई हो? मतलब ऐसी बात जिसका कनेक्शन उसके गायब होने से जुड़ा हो। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि करण ने अंकित को संदूक में बंद कर दिया था। हो सकता है कि राम बाबू ने अपने बच्चों को करण के साथ में खेलते हुए देखा हो और गुस्से में उसने करण के साथ कुछ कर दिया और अब वो अपने बच्चों से झूठ बुलवा रहा। साहब, वो लोग बेवजह हम पे उंगली उठा रहे हैं। आपको जो भी पूछना है ना, आप तसल्ली कर लीजिए, लेकिन हमारे बारे में जानने से पहले आप करण और उसके घर वालों की अंदरूनी बातों के बारे में जान लेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वो लोग कैसे हैं। देखिए मैडम, जो भी बोलना है साफ साफ बोलिए। साहब, हम क्या साफ साफ बोले? अगर हम आपको कुछ बताएंगे तो आप हमारी बात पर भरोसा करोगे क्या? नहीं ना, इससे अच्छा है आप खुद ही पता कर लीजिए। इमरान को याद करके आंसू बहा रहे हो या ये किसी पछतावे के आंसू हैं? अब पछताने के लिए भी कुछ नहीं बचा, और अगर याद करने से कोई वापस भी आ सकता तो ये मलाल ना होता कि हमारे बीच हमारा इमरान नहीं है। सर, ये रामबाबू और उसकी बीवी को ज्यादा ही चालाक लगते हैं। इनकी पिक्चर खुली नहीं कि इन्होंने करण की फैमिली का ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया। और सर, ये लोग जरूर कोई स्क्रिप्ट लिखकर बैठे हैं जिसके डायलॉग शायद ही अपने बेटे से रटवाकर बुलवा रहे हैं। करण को चॉकलेट देने वाले आदमी के बारे में अभी तक तो कुछ पता चला नहीं है, लेकिन मान लो कि ऐसा कोई आदमी था तो हो सकता है करण उसे जानता हो, हो सकता है वो आदमी करण की फैमिली से जुड़ा कोई हो। रामबाबू की फैमिली के साथ साथ करण की फैमिली के बारे में भी सब कुछ पता लगाओ, और इसके साथ साथ इमरान के मर्डर से जुड़े हर एंगल को इन्वेस्टिगेट करो। इमरान की बॉडी हमें संदूक में मिली थी और करण ने भी खेल खेल में अंकित को संदूक में बंद किया था, जिसकी वजह से करण और अंकित के परिवारों में आपस में झगड़ा भी हुआ था। पता लगाओ इस संदूक वाले एंगल का इन दोनों केसेस से कोई कनेक्शन है या फिर ये दोनों केसेस अलग अलग है। ओके सर। करण, परेशान मत हो बेटा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, करण सही सलामत हमें मिल जाएगा। बहुत मिस कर रहे हो ना करण को? हिम्मत रखिए,
सब ठीक हो जाएगा। सर ये है राम बाबू और उसकी बीवी सुजाता के कॉल रिकॉर्ड्स। करण के गायब होने को उस बात से जोड़ के देखा जा रहा था जिसमें अंकित को संदूक में बंद करने के बाद करण रामबाबू और उसकी बीवी सुजाता की नफरत का शिकार हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ इमरान मर्डर केस में इमरान के माता पिता से जुड़ी बातें भी पता की जा रही थी। इन दोनों केसेस का फिलहाल कोई कनेक्शन सामने नहीं आया था, लेकिन करण के परिवार से जुड़ी कुछ हैरान कर देने वाली बातें सामने आई। धर्म और फातिमा का अफेयर चल रहा है और धर्म की पत्नी अंजलि और फातिमा के पति उस्मान को ये बात पता है? यस सर, ये सब उन्हें अच्छे से पता है और हो सकता है कि ये सब बातें करण के गायब होने से भी जुड़ी हो सकती है और इन सब की जड़ शायद धर्म ही है। कैसे? सर उस्मान धर्म के गांव का है और कई सालों से उसके यहाँ काम कर रहा है। नहीं सर, उस्मान के बारे में उसके साथ काम करने वालों से ये पता चला है कि उस्मान गे है। आते रहेगा भाभी, ये देखिए मेरी चॉइस का ले जाइए भाभी जी, मर्दों के पसंद को अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। और इसके बावजूद उस्मान की शादी फातिमा से हो गई, लेकिन सर शादी के 5 साल के बाद भी इन दोनों का अभी तो कोई बच्चा नहीं है और ऊपर से उसकी बीवी को धर्म ने अपने जाल में फंसा रखा है। अब उस्मान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि खुद उसकी ही बीवी उसे जलील करती है। ये जो तू कर रही है ना, ठीक नहीं कर रही है फातिमा। और तुमने जो मेरे साथ किया वो ठीक था? मैं अपनी खूबसूरती सिर्फ तुम्हारे साथ बर्बाद नहीं करना चाहती, और अगर इतनी प्रॉब्लम है तो छोड़ के चले जाओ। तू किसी गलत फहमी में मत रहना, वो कमीना कभी भी तुझे अंजलि भाभी की जगह नहीं देगा। उस्मान जैसे पानी अपनी जगह खुद बना लेता है, वैसे फातिमा भी अपनी जगह बनाना जानती है। इसीलिए धर्म से बदला लेने के लिए उस्मान के पास भी करण को गायब करने का मोटिव है सर। लेकिन सर दूसरी तरफ मेरा शक फातिमा पर भी जाता है, क्योंकि फातिमा और धर्म के अफेयर का पता चलने के बाद से अंजलि अक्सर फातिमा से झगड़ा करती थी। तूने इस घर से निकाल पाएगी ना ही अपने पति के दिल से। नहत काबू में कर ले, तुम्हारा पति खुद चलकर आता है मेरे पास, क्योंकि उसे बुलडोजर की नहीं बुलेट की सवारी भाती है। मैं तुम जैसी बांझ नहीं हूँ। तुम सिर्फ अय्याशी के फूल खिला सकती हो, लेकिन गोदी में बच्चा कभी नहीं खिला सकती, समझी? तो हो सकता है कि अंजलि से नफरत निकालने के लिए फातिमा ने ही करण को गायब करवाया हो, और ये भी पता चला है कि धर्म आए दिन छोटी छोटी बातों पर करण को बुरी तरह पीटता रहता था। सर अभी तक इन लोगों के बारे में जो भी बातें सामने आई हैं, उसे तो ये लगता है कि करण के गायब होने के पीछे यही सब बातें हैं। राम बाबू और उसकी बीवी के खिलाफ कुछ? सर उनके कॉल रिकॉर्ड में तो फिलहाल कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, लेकिन हो सकता है कि गोविंद ने जिस आदमी को करण को चॉकलेट देते हुए देखा था वो फातिमा और उस्मान का ही जानने वाला हो। ठीक है, इन सभी एंगल्स को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो, देखो किसके खिलाफ क्या सामने आता है। ओके सर। शगुन के हाव भाव इशारा कर रहे थे कि वो कोई ऐसा राज जानती थी जिससे वो लगातार डरी हुई नजर आ रही थी, लेकिन उसके डर और करण के गायब होने की वजह का खुलासा करण के माता पिता और उस्मान फातिमा से जुड़ा था, यह राज कुछ और था। फिलहाल करण का गायब होना रहस्य ही बना हुआ था। और इस बीच इमरान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। सर ये इमरान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर इस रिपोर्ट के मुताबिक इमरान की मौत उसी दिन हुई जिस दिन इमरान के फादर सैयद ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। लेकिन सर हैरानी की बात यह है कि इमरान का गला झटके से नहीं बल्कि धीरे धीरे काटा गया, जैसे किसी जानवर की बलि दी जाती है। यस सर, रिपोर्ट में यही सामने आया। और सर इमरान के गायब होने का कोई मोटिव भी सामने नहीं आया, और न ही इमरान के फादर को उसके गायब होने के बाद कोई रैंसम कॉल आया था। सर हो सकता है कि इमरान को किसी अंधविश्वास के चलते सिर्फ उसकी बलि देने के लिए गायब किया हो और फिर बलि देने के बाद उसकी बॉडी को डंप कर दिया गया। मेरे अगर ऐसा है तो हो सकता है कि इमरान के गायब होने का कनेक्शन किसी तांत्रिक से हो। उस एरिया के जितने भी तांत्रिक हैं सबको राउंड अप करो। अब इन्हें कहीं ऐसा तो नहीं कि करण को भी इसी मकसद से गायब किया गया हो?
पता हो गया, लेकिन बाप की रंगरेलियां खत्म नहीं हुई। अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। लोगों के बीच में तमाशा बनाना चाहती है? वैसे भी हम बच्चा क्या है अंजलि। सर, जब मैं एरिया के तांत्रिकों के बारे में पता कर रहा था तो पता चला कि उस्मान का एक नादिर शाह नाम के बाबा के यहाँ आना जाना था। वो उस बाबा के पास इसीलिए जाता था क्योंकि उसे बच्चा चाहिए था। और सर, ये भी पता चला है कि उसी बाबा के पास इमरान का बाप सैयद भी जाता था। और हाँ सर, उस्मान का सैयद से भी मिलना जुलना था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस नादिर शाह के कहने पर उस्मान ने इमरान की बलि दी हो? साहब, मैं मानता हूँ कि मैं पीर बाबा के पास जाता था साहब, लेकिन उन्होंने मुझे कभी कुर्बानी के लिए नहीं बोला साहब, और ना ही मैंने कभी ऐसा कोई काम किया जैसा आप बोल रहे हैं। मेरा यकीन कीजिए साहब, मैंने आज तक किसी को बलि के लिए नहीं कहा साहब, ना ही मैं कोई गलत काम करता हूँ। हाँ साहब, इमरान के अब्बा से मेरा मिलना जुलना था, लेकिन इमरान की हत्या से मेरा कोई लेना देना नहीं है साहब, मैंने कोई कुर्बानी नहीं दी। इमरान को ही नहीं, मुझे लगता है करण को भी तुमने इसी मकसद से गायब किया। अल्लाह साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। देख उस्मान, एक सीधा सवाल पूछता हूँ, मुझे उसका सीधा जवाब चाहिए। हमने सुना है कि तेरी बीवी का करण के बाप के साथ चक्कर, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्म से बदला लेने के लिए तूने करण को गायब किया? साहब, अगर मुझे बदला लेना होगा ना, तो मैं अपनी बीवी से लूंगा ना, धर्म से लूंगा। बच्चे की हत्या क्यों करूंगा साहब? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब, मैं सच कह रहा हूँ। मैं सोचता था कि उस्मान दोस्त है मेरा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो इमरान के साथ ये सब करेगा। लेकिन उसे ये सब करने के लिए तो उसी बाबा ने बोला होगा ना, जिस पर तुम भी भरोसा करते थे। उन्हें देखकर कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो ये सब बोलेंगे, और मुझे समझ में ही नहीं आया कि कौन भरोसेमंद है और कौन धोखेबाज। लेकिन कभी कभी धोखा भी वही लोग करते हैं जिन पर हम बहुत भरोसा करते हैं। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, जरूर उस्मान ने वही किया होगा जो तुम चाहते थे। जब वो अपनी बीवी तुम्हें सौंप सकता है, तो तुम्हारे कहने पे करण को गायब करना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है? बस करो अंजलि, माना कि मैं अच्छा पति नहीं हूं, लेकिन मेरे दोनों बच्चे मेरी जान है, और अगर उस्मान ने ऐसा किया है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उस्मान ही नहीं, उसकी बीवी ने भी हमेशा खंजर घोंपा है तुम्हारी पीठ में, पर तुम्हें क्या, तुम तो उसकी अंगड़ाइयों में मशरूफ थे। अगर मुझे मेरा करण सही सलामत वापस नहीं मिला ना, तो मैं तुम्हें मार डालूंगी और खुद भी शगुन के साथ जहर खा लूंगी। अंजलि, हेलो, सर, मैंने इमरान के फादर सैयद से उस तांत्रिक और उस्मान के बारे में बात की। उसका कहना है कि उसको पहले कभी भी इनकी इंटेंशन पे कोई शक नहीं हुआ, और सर उस तांत्रिक और उस्मान के खिलाफ अभी तक कुछ खास मिला भी नहीं है। सर करण के फादर आए हैं, उन्हें करण की फिरौती के लिए कॉल आया है। सर 5 लाख रुपए मांगा उन लोगों ने, और बोले कि दोबारा फोन करके बताएंगे कि पैसे कब और कहां पहुंचाने हैं। वो नंबर दिखाइए जिससे कॉल आया था। हाँ सर। इधर पुलिस करण की फिरौती मांगने वालों का पता लगा ही रही थी कि एक दूसरे थाना क्षेत्र में एक और बच्चे की लाश मिलने की घटना सामने आई। क्या रिस्पॉन्स आता मुझे बताना। जा। हाँ विनय। सर करण के फादर को जिस नंबर से वो रैंसम कॉल आया था, वो नंबर हबीबगंज के एड्रेस पे कृपा शंकर के नाम पे रजिस्टर्ड है। जाकर देखता हूँ सर कौन है कृपा शंकर। ठीक है, कीप अपडेटिंग मी। तब तक मैं करण के फादर से पूछता हूँ कि वो किसी कृपा शंकर को जानते हैं क्या। ओके सर। अपने बेटे के लिए 5 लाख रुपए नहीं आपके पास? मुझे पूरा यकीन हो गया है आपको कुछ पड़ी नहीं है करण की। अरे इतना मत कोस, पैसा जरूरी नहीं है मेरे लिए, बेटा जरूरी है। तो पुलिस के पास गए क्यों? हेलो कृपा शंकर। नहीं सर, मैं ऐसे किसी नाम के आदमी को नहीं जानता हूं। ठीक है सर, आप करण को सही सलामत बचा लेंगे ना? देखिए आप फिक्र मत कीजिए, लेकिन वो लोग आपको पैसों के साथ जहां भी बुलाएं आप मना मत करना,
लेकिन उन्हें इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए कि आपने हमें सब कुछ बता दिया है। ठीक है सर। सर, हबीबगंज के एड्रेस पे जो नंबर कृपा शंकर के नाम पे रजिस्टर्ड था, वहाँ कोई कृपा शंकर नहीं रहता। विनय, हो सकता है उस कॉल का कनेक्शन उस्मान से हो, शायद उसी ने ये कॉल करवाया हो ताकि किसी को उस पर शक ना हो। लेकिन करण के गायब होने के 10 दिन बाद रैंसम कॉल का आना, ये चक्कर कुछ समझ में नहीं आया। एनीवेज सर, सब प्रशांत विहार में नाले के पास एक बच्चे की लाश मिली है। सर, प्रशांत विहार में नाला उसी तरफ से आता है जहाँ करण रहता है, हो सकता है लाश करण की हो। ये कपड़े हमें बच्चे की लाश पर से मिले हैं, क्या ये करण के ही कपड़े हैं? नाजिया, बात को समझने की कोशिश। हाथ मत लगाओ मुझे। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतना गिर सकते हो। नाजिया, लेकिन मेरी बात बस, अब और नहीं सहूंगी मैं। सर, किडनैपर्स का उस्मान से क्या कनेक्शन होगा अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये किडनैपर्स कोई और हो और उन्होंने करण को पहले ही मार दिया और मारने के बाद फरौती मांग रहे हो सकता है। लेकिन उन्होंने धर्म को कहा था कि वो दोबारा कॉल करेंगे, शायद उस वक्त उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि हमें डेड बॉडी मिल जाएगी। फिर भी देखते हैं वो दोबारा कॉल करेंगे या नहीं। काफी इंतजार के बाद भी करण के माता पिता को दूसरी रैंसम कॉल नहीं आई और ना ही पुलिस पहला रैंसम कॉल करने वाले से जुड़ी कोई जानकारी जुटा पाई थी। उस तांत्रिक और उस्मान के खिलाफ भी कुछ नहीं मिल पाया था। इमरान मर्डर केस किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाया था और इस बीच करण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। सर, ये करण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई और इस रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि करण को काफी लंबे समय से मोलेस्ट भी किया जा रहा था। और सर, उसकी मौत उसी दिन हो गई थी जिस दिन वो गायब हुआ था। क्या करण को मोलेस्ट? जी हाँ। आपको इस बारे में कुछ पता नहीं था? कोई अंदाजा है कौन हो सकता है? नहीं सर। ठीक है अंकल। अंकल मुझे पता है ये सब किसने किया करण के साथ। नवीन अंकल ने किया ये सब करण के साथ। नवीन अंकल ने धमकी दी थी कि अगर करण ये सब मम्मी पापा को बता देगा तो नवीन अंकल हम सबको मार देंगे। हमें वो बात मम्मी पापा से नहीं छुपानी चाहिए। दीदी, खतरा क्यों मोल ले रही हो? बोलोगी ना तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। करण ये सब मम्मी पापा को नहीं बताना चाहता था। लेकिन बेटा, अगर आपको ये बात पता थी तो आपको ये बात अपने विनेश को बतानी चाहिए थी। मैं बताना चाहती थी लेकिन कैसे बताती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नहीं सर, इसकी कोई गलती नहीं है। दरअसल ये सारी गलती मेरी है। दरअसल मैंने कभी अपने बच्चों को ऐसा माहौल ही नहीं दिया कि वो मुझसे खुलकर बात कर सके। इसमें इसका कोई दोष नहीं, ये सारा दोष है। सर, ये नवीन खंडवा का रहने वाला है, यहाँ किराए पे रहता था।
काफी टाइम से उसके घर में ताला लगा है और उसका फोन भी बंद है सर। नवीन का गायब होना उसे प्राइम सस्पेक्ट बना रहा था और काफी छानबीन के बाद आखिरकार पुलिस ने नवीन का पता लगा ही लिया। साहब साहब, मैं मानता हूँ कि मैं करण के साथ वो सब कर रहा था, लेकिन साहब मैंने करण को नहीं मारा। साहब उसे मारा नहीं तो भागा क्यों था? साहब करण गायब हो गया था और साहब मैं देख रहा था कि आप लोग आए दिन मोहल्ले में पूछताछ कर रहे थे। साहब मुझे ऐसा लगा कि कहीं आपको ये सब पता ना चल जाए कि मैं करण के साथ, इसलिए साहब डर कर मारा भाग गया था मैं। लेकिन साहब मैंने करण को नहीं मारा। साहब मैंने करण साहब। नवीन अपने बयान पे कायम रहा कि उसने करण की हत्या नहीं की थी और तभी इमरान मर्डर केस से जुड़ा एक और राज सामने आया। सर, इमरान के फादर सैयद के बारे में कुछ बातें पता चली। कुछ दिनों से सैयद के अपनी बीवी के साथ लगातार झगड़े हो रहे हैं और उनके घर से झगड़ों की आवाजें आती हैं। पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने इमरान की माँ को कई दिनों से घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा है। जी, तुम्हारी बेबी कहाँ है? वो सब मायके गई हुई है। कुमार, संगीता, साहब आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई, मेरी बीवी यहाँ नहीं है। सर, इसकी बीवी ने सब सच बोल दिया है। साहब, ऐसा नहीं कि मैं अपने बेटे इमरान से प्यार नहीं करता था, बहुत प्यार करता था, लेकिन बेरोजगारी की वजह से बहुत तंगी आ गई थी। फिर नादिर साहब आवा ने कहा कि अगर मैं अपनी सबसे अजीज चीज की ऊपर वाले को कुर्बानी कर दूंगा तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। बेटा, बेटा अपनी आंखें बंद कर लो, करो आंखें बंद और ऊपर वाले को याद करो। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, बहुत प्यार करते थे वो इमरान को, मगर उनका दिमाग उस नादिर शाह बाबा ने खराब कर दिया और उन्होंने अपनी ही औलाद को। कैसा बाप है तू, अपने अंधविश्वास की वजह से अपने बेटे की कुर्बानी दे दी। अब ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद कर, जिस तरीके से अपने बेटे इमरान को मारा उसी तरीके से इस बच्चे को मारा, करण को। नहीं साहब, मैंने सिर्फ इमरान के साथ ऐसा किया, करण के साथ कुछ नहीं किया मैंने। इमरान अपने पिता के अंधविश्वास का शिकार हुआ था और उसके पिता को वो अंधविश्वास देने वाले नादिर शाह को भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन करण किसके अपराध का शिकार हुआ था ये अभी भी रहस्य बना हुआ था। सर, इन सबका मोटिव है करण के मर्डर में, लेकिन काफी जोर देने के बाद भी ना तो इनमें से कोई अपना गुनाह कबूल रहा है और ना ही इनमें से किसी के भी खिलाफ अभी तक कुछ मिला है। विनय, इसमें हाथ उसी का है जिसने करण के फादर से करण की फिरौती मांगी थी, लेकिन एक बार रैंसम कॉल आने के बाद दोबारा कॉल नहीं आया। किसी भी तरह से ये पता लगाओ कि कृपा शंकर नाम के फेक आईडी से लिया गया फोन कौन इस्तेमाल कर रहा है। ओके सर। काफी कोशिशों के बाद पुलिस को उस दुकान का पता चला जहां से फेक आईडी देकर वो नंबर अलॉट किया गया था और जल्द ही पुलिस ने उन लोगों को ट्रैक डाउन कर लिया जिन्होंने करण की फिरौती मांगी थी। सर, जिस नंबर से करण के फादर को रैंसम कॉल आया था और वो नंबर जिस दुकान से फेक आईडी देकर खरीदा गया था उस दुकान को पता चला सर, और वहां से ये भी पता चला है कि वो नंबर ये नरेश और जोगी ने खरीदा था। कौन है ये दोनों? सर, ये दोनों राम बाबू की किराना शॉप पे काम करते हैं। तो राम बाबू ने करण से इस बात की दुश्मनी निकाली कि करण ने उसके बेटे अंकित को संदूक में बंद किया था।
उठा के लाओ सबको। ओके सर। नहीं साहब, साहब मुझे नहीं पता कि नरेश्वर जोगी ने क्या किया, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा साहब। राम बाबू जी ने नहीं कहा था त्रोती मांगने के लिए, हम खुद ही मांग रहे थे। साहब उन्होंने हमें बताया था कि काफ़ी समय से उनके मकान मालिक का बेटा खो गया है और मिल नहीं रहा है, इसलिए हमने सोचा कि उनसे झूठ बोल के पैसे मांग सकते हैं साहब। लेकिन हमने करण को किडनैप नहीं किया था, बस उसका गायब होने का फ़ायदा उठा रहे थे। ऐसे नहीं बोलोगे तुम, मारो इन्हें। सर बहुत मारा उन दोनों को, लेकिन वो लोग कबूल ही नहीं रहे कि उन्होंने करण को मारा है। और सर लगता नहीं है कि राम बाबू ने उन्हें सब करने के लिए बोला होगा। लेकिन करण की मौत का इस बात से लेना देना तो है कि उसने अंकित को संदूक में बंद किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से करण की मौत पानी में डूबने से हुई है। करण को आखिरी बार जिस ग्राउंड पर देखा गया था वहां से वो नाला दूर नहीं है, और उस वक्त उसके साथ गोविंद था। लेकिन गोविंद ने हमें बताया था कि उसने एक आदमी को करण को चॉकलेट देते हुए देखा था, लेकिन वो आदमी कौन था इसका पता हमें आज तक नहीं चल पाया। शायद गोविंद ने हमसे झूठ कहा हो। मैंने झूठ नहीं बोला था अंकल, वो अंकल सच में करण भैया को चॉकलेट दे रहे थे। लेकिन आपके अलावा उन अंकल को करण भैया के साथ किसी ने देखा ही नहीं। सच बताओ, आपको मालूम है ना कि करण भैया को नाले में धक्का किसने दिया था? करण भैया को धक्का आपने दिया था ना? बेटा किसने बंद किया तुझे? करण। मेरा तो जी करता उस करण का गला दबा दूं। देखो ना क्या हालत कर दी है मेरे बच्चे की। आज तो बहुत मजा आया ना, मैंने क्या सिक्स मारा। बेटा आपने करण भैया को नाले में धक्का क्यों दिया था? सच बताओ। मैंने करण भैया को जानबूझ के धक्का नहीं दिया, वो गलती से गिर गए थे। पापा मुझे घर जाने, पापा मुझे घर जाने, पापा मुझे घर जाने, पापा मुझे घर जाने। चलते हैं बेटा, चलते हैं। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। पोस्टमार्टम के मुताबिक करण की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी, और पुलिस की थ्योरी ये थी कि 7 वर्षीय करण को शायद 5 वर्षीय गोविंद ने उस नाले में धक्का दिया होगा। लेकिन सच क्या था इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं था। करण की संदिग्ध मौत अब भी रहस्य बनी हुई है, लेकिन ये साफ था कि करण नवीन के शोषण का शिकार हो रहा था। करण की इस नियति के लिए कहीं न कहीं उसके परिवार का तनावपूर्ण माहौल जिम्मेदार है। अपने बच्चों को एक बेहतर कल देने के लिए जरूरी है कि उनको एक बेहतर वर्तमान दिया जाए। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।